और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, उत्तराखंड से जुड़ी हुई, दिल्ली से आ रही है। अनिल बलूनी के गांव में मनेगा इगास का जश्न, सवाल उठाने वाले को मिला करारा जवाब। संबित पात्रा उनकी पूरी टीम पहुंचेगी 8 नवंबर को। संबित पात्रा और भाजपा के अन्य नेता अनिल बलूनी के गांव में इगास मनाएंगे। बहुत दिनों से अनिल बलूनी चल रहे हैं बीमार और इस समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में लोगों से इगास बनाने की अपील भी की थी, लेकिन बीमारी के चलते वो गांव नहीं आ पाएंगे। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बलूनी पंचायत चुनाव में वोट डालने भी नहीं जा पाए थे, जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब संबित पात्रा के बलूनी के गांव पहुंचने से सवाल खड़ा करने वालों को करारा जवाब मिला है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं अनिल बलूनी जी का मित्र हूँ। अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है, बड़े ही लोकप्रिय सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया टीम के प्रभारी भी है। अनिल बलूनी जी ने एक आह्वान किया था कि उत्तराखंड के संस्कार को, उत्तराखंड के सभ्यता को, उसकी संस्कृति को, उनके लोक पर्वों को, लोक साहित्य को हमें आगे बढ़ाना है। अनिल बलूनी जी ने यह आह्वान किया था कि हम सारे लोग जो उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वो अपने अपने गाँव पहुँचे और जो लोक पर्व उत्तराखंड का आगामी 8 नवंबर को इगास के रूप में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से उत्तराखंड निवासी उसे अपने अपने गांव में मनाएं, अपने क्षेत्र में मनाएं। बंधुओं, चूंकि अनिल बलूनी जी अभी अस्वस्थ हैं, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और यथाशीघ्र स्वस्थ अनिल बलूनी जी हमारे साथ होंगे, किंतु चूंकि आगामी 8 नवंबर को इगास के अवसर पर वो हमारे साथ अपने गाँव में नहीं होंगे, इसलिए हम सब मित्रों ने यह तय किया है कि अनिल बलूनी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम बलूनी जी के गांव जाएंगे, वहां धूमधाम से इगास मनाएंगे। और आपको भी हम न्योता देते हैं कि उत्तराखंड के प्यारे बहनों और भाइयों, आप जहां भी हों, आप आएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, उत्तराखंड में धूमधाम के साथ इगास मनाएं।